हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जिस प्रोडक्ट का मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ वो है बलर कंपनी के तरफ से आने वाला ये प्लास्टिक स्टोरेज कैबिनेट या वार्डरोब। आज हम इसी का अनबॉक्सिंग करेंगे, कैसे इस प्रोडक्ट को असेंबल करना है ये भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। साथ ही कंपनी का दावा है कि इसके हर एक स्टोरेज बॉक्स में, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 6 बॉक्सेस है मैंने जो प्रोडक्ट लिया है। ये अलग अलग साइजेस में, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। ये आपको 4 बॉक्स साइज में भी मिल जाएगा, 6 बॉक्स साइज तो मेरा है, और साथ ही 8 बॉक्स साइज में भी एक अवेलेबल है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपका जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो। कंपनी का दावा है कि हर एक बॉक्स में अप टू 70 किलो तक वेट रखा जा सकता है। तो एक्चुअली उतना ज़्यादा पॉसिबल है नहीं है, वो भी इसी वीडियो में आपको प्रूफ मिल जाएगा, हम टेस्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक फुल फेस हेलमेट है। इस हेलमेट को मैं इसके अंदर रखता हूँ, इससे आप कितना ज़्यादा स्पेस इसके अंदर दिया गया है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये मैंने बंद कर दिया और आप देख सकते हो आराम से जो फुल फेस हेलमेट है वो इसके अंदर मैंने रख दिया है, और ऊपर देख सकते हो अभी भी ऊपर स्पेस बाकी है। तो आप इसको एज अ बुक सेल्फ यूज़ कर सकते हो, या अपने हिसाब से अगर कपड़े वगैरह रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। सबसे अच्छा बात जो इस प्लास्टिक कैबिनेट में मुझे लगा, इसमें एक भी मेटल का पार्ट नहीं दिया गया है। इसलिए अगर आप इसको किचन में रखना चाहते हो या किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे ये पानी के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा, आप आसानी से रख सकते हो। एक भी मेटल का पार्ट इसमें नहीं दिया गया है। तो चलिए इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और असेंबल कैसे किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके के पैकेजिंग के साथ ये प्रोडक्ट मेरे पास आया है। चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है जिसमें टोटल क्या क्या पार्ट्स है, कितने क्वांटिटी में है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस वार्डरोब को कैसे असेंबल करना है ये भी आपको इस यूज़र मैनुअल से ही पता चल जाएगा। ये जो स्टोरेज कैबिनेट है ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हो, कुछ कनेक्टर्स हमें मिल रहे हैं। तो चलिए बॉक्स के अंदर टोटल क्या क्या है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको साइड वॉल कहा जाता है। अगर आप 4 डोर वार्डरोब ऑर्डर करते हो तो आपको ऐसे 16 पीसेस, 6 डोर के लिए 24 पीसेस और 8 डोर के लिए 32 ऐसे पीसेस आपको बॉक्स के अंदर मिलेंगे। मैनुअल से ही आपको पता चल जाएगा अलग अलग साइज के वार्डरोब के लिए टोटल क्या क्या पीसेस कितने क्वांटिटी में आपको बॉक्स के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 डोर वार्डरोब ऑर्डर किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास साइड वॉल टोटल 24 पीसेस है। जो फ्रंट डोर है वो 6 पीसेस है, बैक वॉल जो है वो 6 पीसेस है, और यहाँ पे साइड में कुछ कनेक्टर्स आप देख सकते हो, फ्रंट कनेक्टर एंड बैक कनेक्टर। वार्डरोब को असेंबल करना बहुत ही आसान है। मेरे हाथ में एक साइड वॉल है, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस तरफ आपको एक लाइन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका बैक वॉल कनेक्ट होगा। वहीं पे ऑपोजिट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ गैप्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे डोर कनेक्ट होगा। तो ये जो पार्ट है ये फ्रंट पार्ट है। साइड में कुछ लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑपोजिट साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है, आप देख सकते हो मैं अपना हाथ रख रहा हूँ, ये दबा हुआ है, और वहीं पर ऑपोजिट साइड ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये आपके स्टोरेज कैबिनेट के या वार्डरोब के अंदर के तरफ रहेगा। साइड वॉल के दोनों साइड में आपको कुछ लॉक्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इस पैटर्न को लॉक ए समझ लेते हैं और ये जो पैटर्न है इसको हम लॉक बी पकड़ लेते हैं, तो लॉक ए को हमें लॉक बी के ऊपर रखना है, थोड़ा सा प्रेस करना है, और ये जो लॉक है ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और ये जो दोनों साइड वॉल है ये कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ ताकि लॉक कैसे कनेक्ट हो रहा है आप देख सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, और आप देख सकते हो अगर मैं इनको छोड़ भी देता हूँ तो ये दोनों जुड़े हुए हैं अभी। बिल्कुल ऐसे ही मैं एक और साइड वॉल को यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ये जो लॉक आप देख रहे हो, इस पैटर्न को हमने लॉक बी नाम दिया था और इस पैटर्न को हमने लॉक ए नाम दिया था, और मैंने कहा था लॉक ए जो पैटर्न है ये हमेशा लॉक बी के ऊपर आएगा
और थोड़ा सा प्रेस करने पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लाइन को भी आपको देखना है, जो यहाँ पे लाइन बना हुआ है ये बैक वॉल के लिए है, तो ये आपको मैच करवाना है। और फ्रंट साइड में जो डोर कनेक्ट्स होंगे वहाँ पे भी पैटर्न बना हुआ है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैं लॉक ए को लॉक बी के ऊपर रखता हूँ और थोड़ा सा प्रेस करूँगा और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे तीन साइड वॉल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नीचे एक साइड वॉल है, साइड में दो साइड वॉल है और ऊपर भी हमें एक साइड वॉल को बैठाना है, बट उससे पहले हमें बैक वॉल को कनेक्ट करना है। बैक वॉल का एक सरफेस पूरा प्लेन है और दूसरे सरफेस में कुछ पैटर्न बना हुआ है। तो जो ये प्लेन सरफेस है ये आपके वार्डरोब के अंदर की तरफ रहेगा, जहाँ पे आप सामान को रखोगे, और जो ये पैटर्न बना हुआ है ये आपके वार्डरोब के पीछे की तरफ यानी दीवार की तरफ रहेगा। वार्डरोब के बैक वॉल को फिक्स करना सबसे आसान है, विदाउट एनी एफर्ट ये जो बैक वॉल है ये फिक्स हो जाता है। बैक वॉल फिक्स होने के बाद आपको ऊपर में एक और साइड वॉल को फिक्स करना पड़ेगा। प्रोसेस सेम है, लॉक ए को लॉक बी के ऊपर रखें और थोड़ा सा प्रेस करें और ये जुड़ जाएगा। सो यहाँ पे एक बॉक्स तो रेडी हो चुका है, बस हमें इसमें डोर को कनेक्ट करना है, जो कि बहुत ही इजी है। देखिए कैसे मैं डोर को कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे वार्डरोब का एक बॉक्स रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हमें और पांच बॉक्सेस को यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास अभी टोटल 6 बॉक्सेस रेडी है, बट ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, हमें इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और जिसके लिए हम बैक कनेक्टर्स और फ्रंट कनेक्टर्स का यूज करने वाले हैं। सो दिस इज अ बैक कनेक्टर, और बैक कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए हमारे बॉक्सेस के बैक साइड में काफी सारे होल्स दिए गए हैं। इन्हीं होल्स में हमारे बैक कनेक्टर का जो नॉब है वो लगेगा। तो कैसे बैक कनेक्टर का यूज करके आप दोनों बॉक्स को कनेक्ट करोगे, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉक्सेस हमारा हॉरिजॉन्टली कनेक्ट हो गया है। इस बॉक्स के साथ ये बॉक्स, इस बॉक्स के साथ ये, और नीचे वाला दो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया है। बट अगर हम ऊपर से इनको देखें तो ऊपर से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अभी हम बैक कनेक्टर का यूज़ करके हम इनको वर्टिकली कनेक्ट करने वाले हैं।
वार्डरोब को कैसे असेंबल करना है ये आपने देख लिया है। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। कंपनी का कहना है कि हर एक बॉक्स में अप टू 70 किलो तक वेट दिया जा सकता है, ये खराब नहीं होगा। तो देखते हैं हमारे पास जितना वेट है वो हम इसके अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास 10 किलो का एक वेट प्लेट है, यहाँ पे आप देख लीजिए 10 किलो लिखा हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले इसके अंदर रखते हैं। तो आप देख सकते हो 10 किलो का वेट प्लेट मैंने रख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड भी नहीं हुआ है। और अगर आप ये जो स्पेस है इसके अंदर पूरा एकदम मोटे मोटे किताबों से भर भी देते हैं तब भी ये 10 किलो वेट नहीं आएगा। बट फिर भी हम एक और वेट प्लेट को इसके अंदर रखेंगे, इसका भी वेट आप देख लीजिए 10 किलो इसका वेट है, यहाँ पे देख सकते हो 10 किलो का वेट है। तो इसको भी हम इसके ऊपर रख देते हैं एक ही बॉक्स में, और ये मैं सबसे ऊपर वाले में रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो 20 किलो अभी वेट इसके अंदर हमने रख दिया है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा भी बेंड यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, एक और 5 किलो का वेट प्लेट यहाँ पे हम रखने वाले हैं, आप देख सकते हो 5 केजी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो 25 किलो वेट मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा भी बेंड इसमें नहीं है। ये ड्यूरेबिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है, लुक भी अगर हम देखें बहुत ही डिसेंट लुक है, अच्छा लग रहा है। अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। अगर आपको परचेज करना है बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।